आज भी हंगामा जारी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कंझावला मामले का उठाया गया मुद्दा, कानून व्यवस्था को लेकर एलजी की घेराबंदी। विधानसभा में आप विधायक मोहिंदर गोयल ने दिखाई रिश्वत की रकम, कर्मचारियों के टेंडर में भ्रष्टाचार का आरोप, जांच की मांग। बीजेपी विधायकों ने यमुना प्रदूषण को लेकर केजरीवाल को घेरा, पोस्टर के साथ की नारेबाजी। हंगामे के बीच स्पीकर ने बुलाया मार्शल, 3 से 4 विधायकों को किया गया बाहर। रामचरितमानस विवाद पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा शिक्षा मंत्री को दे चुके हैं जरूरी निर्देश, सभी धर्मों को बराबर इज्जत। कोई भी धर्म किसी भी मामले में किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सही बात नहीं। नीतीश कुमार ने कहा महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार पर टिप्पणी को लेकर आरजेडी ने सुधाकर सिंह को भेजा कारण बताओ नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब। सुधाकर सिंह ने दिया था बयान, बिहार में लूट का मॉडल, जेडीयू का अब तक बीजेपी से मोहभंग नहीं हुआ है। तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी दलों का जमावड़ा, केसीआर ने रैली का किया है आयोजन। रैली में हिस्सा लेने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, केसीआर ने किया स्वागत। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री खम्मम में 2024 के लिए नए मोर्चे की कवायद। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी खम्मम में, रैली का नारा है अब की बार किसान सरकार। तेलंगाना में इसी साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, बड़ी योजनाओं का ऐलान। पूर्वोत्तर भारत में चुनाव की हलचल शुरू, त्रिपुरा मेघालय नागालैंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने कहा आकाशवाणी के रंग भवन में दोपहर 2:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरवरी के अंत तक पूरी होनी है चुनावी प्रक्रिया, मतदान को लेकर तैयारियां शुरू। निर्वाचन आयोग ने रविवार को ही पूरा किया है इन तीनों राज्यों का दौरा, 4 दिन तक चला सर्वेक्षण। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराने की संभावना प्रबल। तेलंगाना के डुंडीगल में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर लगा है आरोप, संस्थान की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत, पुलिस ने शुरू की जांच। विमान बोर्डिंग दौरान इमरजेंसी गेट खोलने की घटना को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने किया ट्वीट, लोगों को असुविधा और जोखिम में लाने वाले का नाम 1 महीने तक सामने नहीं आया। इंडिगो की तरफ से जारी किया गया बयान, एक यात्री से खुल गया था इमरजेंसी गेट, डीएमपी प्रवक्ता ने भी की पुष्टि, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के साथ थे कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या। ओवैसी का ट्वीट, आपका नाम संस्कारी है इसलिए गलती से हुआ, अगर ये अब्दुल होता तो नहीं होता ऐसा। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 124वां दिन, हिमाचल प्रदेश पहुंची यात्रा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हुई यात्रा में शामिल, 40 विधायक भी हैं साथ। यात्रा के दौरान काठगढ़ मंदिर में रुके राहुल गांधी, पूजा पाठ के बाद बढ़े आगे, आज शाम कांगड़ा से होते हुए फिर पहुंचेंगे पंजाब की सीमा में पठानकोट में रात्रि विश्राम, कल जम्मू पहुंच जाएंगे राहुल, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। आज सुबह हावड़ा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, स्टेशन पे जबरदस्त सुरक्षा। हावड़ा से कोलकाता के लिए रवाना हुए संघ प्रमुख, यहां संगठन की बैठक में लेंगे हिस्सा। 23 जनवरी तक कोलकाता में रहेंगे मोहन भागवत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रयागराज के मांग मेले में इस्लामिक किताबें बेचने वाले गिरफ्तार, किताबें भी बरामद। पकड़ा गया मौलाना फतेहपुर का महमूद हसन गाजी, मदरसे में करता है टीचर का काम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सिमी पर लगे प्रतिबंध को सही ठहराया। सिमी के वकील ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, प्रतिबंध के खिलाफ थी याचिका। दिल्ली से पकड़े गए दोनों संदिग्ध, पूछताछ के लिए गिरफ्तार, बड़े खुलासे का दावा। हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में था नौशाद, 4 हैंडलर्स के संपर्क में। हिंदुस्तान में टेरर गैंगस्टर नेटवर्क करने का प्लान, सुनील राठी, इरफान चेनू, हाशिम बाबा, इबले हसन और इमरान पहलवान गैंग से संपर्क। जोशीमठ में जमीन धंसने के खतरे के बीच डिमोलिशन जारी है, गिराए जा रहे हैं मकान, खतरे वाले मकानों में लगाया गया है लाल निशान, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। भरतपुर में बच्चों को लेकर जा रही बस पलटी, 30 घायल, ट्रक से टक्कर के बाद पलटी बस, 8 बच्चों की हालत गंभीर। औरंगाबाद में चलती कार में आग, बाल बाल बचा सवार। अडवाणी में आज के दफ्तर में छापेमारी, निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, कार्यालय के बाहर दुकानों में भी कमिश्नर ने की छापेमारी। बाड़मेर में शीतलहर से किसानों की बड़ी फसलें तबाह, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने की किसानों को SDRF फंड में राहत देने की मांग। अमृतसर में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया स्वर्ण मंदिर का दौरा, मत्था टेका और अरदास में हुए शामिल। हल्द्वानी में G20 देशों की अध्यक्षता और मेजबानी भारत को मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने आयोजित किया स्वागत। राजस्थान के झालावाड़ में 32वां
राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन समारोह, ट्रैफिक नियमों की दी गई जानकारी। शीतलहर से कांप रहा उत्तर भारत, पूरे इलाके में जबरदस्त ठंड। दिल्ली के लिए 6 दिन का येलो अलर्ट, सोमवार से बुधवार तक शीतलहर की चेतावनी। मौसम विभाग का अनुमान, 19-21 जनवरी तक दिल्ली NCR में रहेगा कोहरे का कहर। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए मौसम विभाग की चेतावनी, 19 जनवरी को भी रहेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत के लिए कुछ इलाकों में कोहरे का कहर। उत्तर रेलवे के मुताबिक 6 ट्रेनें चल रही हैं देरी से। मौसम विभाग का अनुमान, 19-21 जनवरी तक दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, इसीलिए तापमान 4-6 डिग्री तक। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर होगी बर्फबारी, 21-25 जनवरी तक के लिए अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक 22-25 जनवरी तक मैदानी इलाकों में हो सकती है बरसात। गुजरात में शीतलहर का कहर, कपकपाती ठंड के बीच कच्छ में सुनसान दिखी सड़कें। सुबह सुबह घने कोहरे से परेशानी, गाड़ी चलाने वालों को मुश्किल। इटावा में ट्रेन में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी रेलवे कर्मचारी की सफाई। यूपी के बांदा से 4 शातिर चोर गिरफ्तार, भारी मात्रा में लाखों के सोने और चांदी के गहने बरामद। रायसेन में शराब के नशे में जीजा और साले में विवाद, झड़प बढ़ने के बाद साले ने की जीजा की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पटना में क्रिकेट से सट्टा खेलने ने ली युवक की जान, दोस्तों ने गोली मारकर कर दी हत्या, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में नेवी अफसर के घर डकैती, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को किया लंगड़ा। मधुबनी में ट्रक से बरामद हुई करीब 5,000 लीटर विदेशी शराब, भूसे की बोरियों के आड़ में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। हुगली में अस्पताल के लोगों ने मरीज के बेटे का फोड़ा सिर, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। रोहतक में अशोक काका हत्याकांड में 7 साल बाद बड़ा फैसला, 11 हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी ट्रक चालक गिरफ्तार, मिली आजीवन कारावास की सजा। दरभंगा में 5 साल की बच्ची पर गिरा सरकारी स्कूल का लोहे का भारी भरकम गेट, बच्ची की मौत, गुस्साए लोगों ने आगजनी कर सड़क पर लगाया जाम। बरेली में छात्रावास में 2 गुटों में झड़प, युवकों ने की फायरिंग और पथराव, जांच में जुटी पुलिस। मोहाली में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर की गई हत्या, शातिर अपराधी गिरफ्तार। विंध्याचल से कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, यूपी पुलिस ने बिहार पुलिस को सौंपा, उस पर 17 आपराधिक मामले दर्ज। मिर्जापुर में बदमाशों ने की 33 मवेशियों की जलाकर हत्या, मामले की जांच जारी। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में 4 लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, प्रशासन पर दबाव के आरोप में 4 गिरफ्तार। देवघर में ट्रेन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। उदयपुर के कलाकार का कमाल, क्रिस्टल ग्लास से बनाया खूबसूरत राम दरबार। रांची के सबसे बड़े बाजार की खिलौना दुकान में लगी आग, प्रशासन और फायर ब्रिगेड अधिकारी कर रहे हैं जांच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2 पुलिस आरक्षक गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, स्थानीय तस्करों को भिलाई दुर्ग में करते थे गांजा सप्लाई। हल्द्वानी महिला सिपाही ने अपने पति पर दर्ज कराया मारपीट का आरोप, मामले की जांच जारी। भिंड में हुए तेहरे हत्याकांड में 6 आरोपी गिरफ्तार, सभी पर है 10,000 रुपए का इनाम। बैतूल में टीचर ने की छात्र की पिटाई, परिजनों ने जन सुनवाई में की शिकायत, दिखाए चोट के निशान। नोएडा में चलती मेट्रो में आग, कूदा 16 साल का युवक, इलाज के दौरान मौत। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, 1 घंटे तक शराब के नशे में धुत रहा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक युवक ने किया आत्महत्या, प्रेमिका के भाइयों ने मृतक को किया था टॉर्चर। शिमला में शीतलहर जारी, मौसम विभाग ने एक हफ्ते में तापमान में और गिरावट और भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की। करगिल के द्रास में जबरदस्त ठंड, 0-35 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। बस्ती में आज होगा संसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरा चरण, नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। खरगोन में रैपिड एक्शन फोर्स की अनूठी पहल, अस्पताल में चलाया सफाई अभियान, सुरक्षा करने वाले जवानों ने थामे झाड़ू और फावड़े। मदुरई में जल्लीकट्टू उत्सव देखने के लिए बड़े तौर पर तैयारी, ब्रिटेन जर्मनी सहित 9 विदेशी देशों के लगभग 20 पर्यटकों के लिए की गई व्यवस्था। रायसेन में युवतियों की टीम कर रही है अनोखा काम, नेकी की दीवार के माध्यम से असहाय लोगों को बांटती है ऊनी कपड़े। बागेश्वर उत्तरायणी मेले समिति में नई पहल, मेलार्थियों के लिए अगले 5 दिन तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। बागनाथ मंदिर में फूलों को बरसाकर नगर पालिका ने किया हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। जोधपुर में 17 साल बाद बाल विवाह की टूटी डोर, सारथी ट्रस्ट की मदद से जीती कानूनी जंग। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में बेघरों के लिए CRPF का तोहफा, CRPF की तरफ से बनाए गए आश्रम घर, गरीब जरूरतमंद लोगों को मिलेगी मदद।